हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर राम भंडार के मनीष नगर शाखा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। 99 वर्ष से नागपुर वासियों की सेवा में कार्यरत राम भंडार की नई शाखा मनीष नगर रेलवे क्रॉसिंग रोड यूको बैंक के पास शुरू की गई है। नितिन गडकरी ने रिबन काटकर शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, विधायक गिरीश व्यास, मोहन मते, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजय भेंडे, खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य जयप्रकाश गुप्ता, भाजपा नागपुर कोषाध्यक्ष राजेश बागड़ी, मनपा सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, नगर सेवक डॉक्टर रविन्द्र भोयर, अशोक होटल के संचालक संजय गुप्ता, विलास त्रिवेदी के साथ जगदीश गुप्ता, कमल कुमार गुप्ता, सुरेश गुप्ता, रंजीत गुप्ता, राजन गुप्ता, अमित गुप्ता, आशीष गुप्ता, नितिन गुप्ता, राहुल गुप्ता के साथ बड़ी संख्या में राम भंडार के शुभचिंतक उपस्थित थे। हिवरी नगर मारवाड़ी सखी मंडल द्वारा रास गरबा का भक्तिमय आयोजन माहेश्वरी भवन में कोरोना के नियम अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जज के रूप में आरती खंडेलवाल, पूजा खंडेलवाल व आकांक्षा ठाकुर रही। पुरस्कार में गरबा क्वीन आकांक्षा किटे, उत्कृष्ट नृत्य साक्षी किटे, बेस्ट गरबा अंजलि सूचक, बेस्ट ड्रेस मयूरी जैन, साथ ही स्नेहा बंग को विशेष पुरस्कार दिया गया। लकी ड्रॉ कविता मोदानी को मिला। मुख्य अतिथि जयश्री मनोहर व कोरियोग्राफी मधु रावल ने सहयोग किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मंडल अध्यक्ष रूपा बजाज, सचिव स्नेहा मालू, संयोजिका कीर्ति राठी, राजश्री बजाज, संतोष बडौला, रजनी साबू, मीना लटूरिया, हेमा सारडा, ज्योति बजाज, कोमल काबरा, ज्योति बियानी, मृदुला भट्टर, नीलू सोनी, पूजा बजाज, रचना भुतड़ा, विद्या सारडा, पूनम झवर, संगीता बजाज ने प्रयास किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहीद शशिधर केतकर की स्मृति को उजागर करने तथा इनके कार्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नोक नृत्य भारत भारती का आयोजन शनिवार और रविवार सुबह किया गया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 5 राज्यों के लोक नृत्य कलाकार समूहों ने विविध 9 पारंपरिक लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम का प्रसारण दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के YouTube पर लाइव किया गया। इस कार्यक्रम का 427 से अधिक दर्शकों ने आनंद उठाया। शनिवार को स्वप्निल धोत्रे एवं समूह द्वारा लावनी महाराष्ट्र, ईफ्रा अयूब खान एवं समूह द्वारा रऊफ डांस जम्मू कश्मीर, नदीम राइन एवं समूह द्वारा बधाई मध्य प्रदेश, गणेश दास एवं समूह द्वारा 13 ताली नृत्य राजस्थान, केपी रुद्राप्पा एवं समूह द्वारा ढोलू कुनिथा कर्नाटक की प्रस्तुति दी गई। रविवार को स्वप्निल धोत्रे एवं समूह द्वारा गोंधड़ महाराष्ट्र, ईफ्रा अयूब खान एवं समूह द्वारा बचन गीमा नृत्य जम्मू कश्मीर, नदीम राइन एवं समूह द्वारा नोरता मध्य प्रदेश, गणेश दास एवं समूह द्वारा भवाई नृत्य राजस्थान, केपी रुद्राप्पा एवं समूह द्वारा ढोलू कुनिथा कर्नाटक की प्रस्तुति दी गई। मध्य नागपुर प्रभाग 20 के नगर सेवक रमेश पुणेकर की विकास निधि से 15 लाख का फंड सीमेंट रोड बनाने के लिए बुधवारी राव साहेब अखाड़ा के पास रोड का भूमि पूजन मध्य नागपुर ब्लॉक 16 के अध्यक्ष मोतीराम मोहाड़ीकर की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। नगर सेवक रमेश पुणेकर ने बताया कि प्रभाग के सभी इलाकों में आम जनता हेतु विकास कार्यों को प्राथमिकता से उनकी हर समस्या का हल किया जा रहा है। पुणेकर ने कहा कि सीमेंट रोड के अलावा प्रभाग की हर गली में मार्गों का डामरीकरण किया जाएगा। सीमेंट रोड भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रमुखता से महेश श्रीवास, देवानंद अंबागड़े, श्रीमती गीता जलगांवकर, श्रीमती माया धापोड़कर, शंकर रणदीवे, प्रकाश लायसे, पवन जैन, प्रवीण धार्मिक, अविनाश बंसोड़, मुकुंद मेंडेकर, प्रेमनाथ मेंडेकर, हरिभाऊ मौद्देकर, विजय रॉय, गोलू रॉय, सुलोचना मेंडेकर, मालती मौंदेकर, विक्रांत मौंदेकर, लक्ष्मीबाई मौंदेकर, प्रशांत खापरे व परिसर के अनेक नागरिक उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
पीएम नरेंद्र मोदी ने समग्र पोषण अभियान की शुरुआत की थी। गत माह राष्ट्रीय पोषण माह स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में मनाया गया। पीएम मोदी ने लॉन्च के दौरान कहा था कि यह पोषण अभियान कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित करता है। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि आवश्यक पोषक तत्वों और कैलोरी के संयोजन के साथ संतुलित आहार मानव शरीर के सुचारू कामकाज और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। थीम के अनुरूप स्कूल में पोषण वाटिका तैयार की गई। हरी सब्जियां एवं फल उत्पादन को महत्व प्रदान किया गया। योग और आयुष थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को योग के द्वारा निरोगी काया की जानकारी प्रदान की गई। न्यूट्रिशन वीक मनाया गया, जिसके अंतर्गत सलाद डेकोरेशन एवं फ्रेश जूस बनाओ स्पर्धा आयोजित की गई। सभी विद्यार्थियों ने जंक फूड से परहेज की शपथ ली। पोषण अभियान के बारे में विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मानसिक स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट लेना क्यों जरूरी है, यह जानकारी भी विद्यार्थियों ने स्कूल के साथ साझा की। 1 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत निबंध एवं भाषण स्पर्धा भी आयोजित की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा रविवार सुबह 8 बजे ऑनलाइन माध्यम से लोकप्रिय प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मानाद का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नागपुर महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर चित्रा मोडक द्वारा शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम का प्रसारण दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के यूट्यूब पर लाइव किया गया। इस कार्यक्रम का 118 से अधिक दर्शकों ने आनंद लिया। डॉक्टर चित्रा मोडक ने अपने गायन का प्रारंभ राग नट भैरव में विलंबित ख्याल मैं जानू नाही द्रुत ख्याल हूँ तो तेरे नाम की सुंदर प्रस्तुति से किया। इसके पश्चात उन्होंने राग अलहैया बिलावल में मध्य लय त्रिताल में निबद्ध रचना कवन बटरिया गैलो माई की मनमोहक प्रस्तुति दी। उन्होंने कार्यक्रम का समापन सावनी राग तिलक कामोद में अबके सावन घर आजा की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति से किया। इन्हें तबले पर नीलेश खोड़े एवं संवादिनी पर श्रीकांत पिसे ने साथ संगीत की। हजरत बाबा हनीफ बगदादी रहमतुल्ला अलैह का सालाना उर्स कोविड-19 को ध्यान में रखकर सादगी से मनाया। दरबार के खादिम जनाब पीरू बाबा दरगाह कमेटी के अध्यक्ष जनाब रियाज भाई की अध्यक्षता में नियज दिलाई गई और तबर्रुक तकसीम किया गया। इस मुबारक मौके पर कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम, नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के नेतृत्व में बाबा जान की मजारे पाक पर चादर फूल इत्र पेश करके दुआए खैर मांगी। या मालिक बाबा जान के तुफैल में हमारे मुल्क में अमन ओ चैन आपसी भाईचारा कायम रहे। और मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव गिरीश पांडव, पुलिस निरीक्षक संजय मेंडे को शॉल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। कांग्रेस मध्य नागपुर महिला अध्यक्षा गीता जलगांवकर, ब्लॉक अध्यक्ष भानुमती नंदनकर, संगीता खोत, लता आमनेरकर, डॉक्टर अनिल बाग, तुलसी पौनीकर, मासूम अली शाह बाबा के खादिम सरवर अली, साबिर ताजी, हाजी कदीर बेग, परवेज अहमद अंसारी, शहर उपाध्यक्ष शादाब खान, गरीब नवाज खिदमत कमेटी के अध्यक्ष आहत खान ने सभी मेहमानों का शॉल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उर्स में प्रमुख से खादिम सलीम बेग, मोहम्मद रजा, शब्बीर भाई, कलीम अंसारी, बहादुर भाई, गोलू पुरे, जावेद भाई ने उर्स में आने वाला जायरीनों का इस्तकबाल किया। ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र राज्य व नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर नितिन राउत जनसेवा सप्ताह के दूसरे दिन रविवार सुबह प्रभाग 2 के गुप्ता हॉल कपिल नगर चौक में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जनरल हेल्थ चेकअप, स्त्री रोग, बाल रोग, कैंसर की जाँच, खून की जाँच, बीपी, शुगर, थायराइड,
एक्सरे, टीबी आदि की जांच की गई। वैक्सीनेशन तथा निशुल्क औषधि का वितरण किया गया, जिसका 350 लोगों ने लाभ लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिनेश यादव प्रभाग 2 के नगर सेवक ने किया। इस अवसर पर तानाजी वनवे विरोधी पक्ष नेता मनपा रत्नाकर जयपुरकर, साहेबराव सिरसाट, तुषार नंदगावली, गौतमी सुहास नारनवरे, अखिल अफसर, सतीश पाली, राम यादव, राकेश इखार, दुर्गेश पांडे, नीलेश गजबीय, अतीश रामटेके, हाफिज अंसारी, वीरेंद्र यादव, अजमल अहमद, अविनाश पोडे, शिव यादव, मनीष भगत, आदेश रंगारी, आशीष वानखेड़े, हर्षल बंसोड़, विकास यादव, सतीश गजबीय आदि उपस्थित थे। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में बेटिया शक्ति फाउंडेशन नागपुर एवं श्री सत्यसाई विद्या मंदिर नरसाला के संयुक्त तत्वावधान में 2 साल से 9 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए लिटिल डांसर राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता 2021 की विजेता बाल नृत्यांगनाओं को पुलिस निरीक्षक डॉक्टर अशोक बागुल की उपस्थिति में संपन्न समारोह में पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भाग लिया था। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अनुश्री मानकर, द्वितीय स्थान गोजिरी मस्के एवं तृतीय स्थान आद्या भिसे ने प्राप्त किया। उत्तेजनार्थ पुरस्कार भानवी सिल्लारे एवं आर्नवी राचलरवार को दिया गया। प्रतियोगिता की विशेषता यह थी कि प्रतियोगिता में प्रथम 5 लड़कियां अव्वल रही एवं पहली 4 विजेता नागपुर शहर की निवासी है। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता बाल नृत्यांगनाओं ने अपने नृत्य का हुनर दिखाते हुए प्रशंसा प्राप्त की। साथ ही पुलिस निरीक्षक डॉक्टर अशोक बागुल के द्वारा सादर देशभक्ति पर गीतों ने समारोह में देशभक्ति की भावना को जागृत कर दिया। समारोह में बतौर अतिथि श्री सत्यसाई विद्या मंदिर के संचालक नरेंद्र ढवले, सामाजिक कार्यकर्ता सुहास खरे, बेटिया शक्ति फाउंडेशन के मुख्य मार्गदर्शक अरविंद पाठक, संजय सावन सुखा, श्री सत्यसाई विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक नीलेश सोनटक के, प्रतियोगिता की परीक्षक अभिनेत्री मुग्धा देशकर, राशि गुप्ता, रश्मि वाटाने, स्नेहल बांगरे उपस्थित थे। जाने किसकी नजर लगी है मेरे सोन चिरैया पे, इस मोहक और चिंतनशील गीत गायन के साथ ही लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर अमेज के समारोह और लॉयंस के वर्ल्ड सर्विस सप्ताह का सारगर्भित सफल और सार्थक समापन हुआ। शहर के प्रतिष्ठित अहिल्या मंदिर के पावन प्रांगण में नॉर्थ ईस्ट की अध्ययनरत 41 बच्चों का नेत्र परीक्षण महात्मे आई हॉस्पिटल के सहयोग से संपन्न हुआ। ऑर्गन डोनेशन पर चिंतक रमेश सातपुते ने गहन प्रकाश डाला। समारोह के मुख्य अतिथि लॉयन अश्विनी कुमार रतन, रीजन चेयरपर्सन, साथ ही जोन चेयरपर्सन अरुण कुलकर्णी, MJF अनिल मोहता व डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लॉयन निशिकांत प्रतापे, श्रीमती शिल्पा जोग उपस्थित थे। सभा में विशेष उपस्थिति राष्ट्र सेविका समिति की प्रमिला ताई मेढे रही, डॉक्टर मृदुला बापट, उषा जोशी भी प्रमुखता से सम्मिलित हुए। मंच पर लॉयंस क्लब अमेज के अध्यक्ष संजय पाठक, ट्रेजरार मोनाली लोनकर, सर्विस वीक प्रमुख VP स्मिता, दिलीप सोम कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अविनाश बागड़े ने किया। चार्टर प्रेसिडेंट नितिन लोनकर ने आभार माना। लॉयंस सदस्य दर्शना हेमंत अड़गावकर, शेषराव व कीर्ति कालसर पे, लता ठाकरे, सुरेश बाबर, राजू व वंदना नाखले, नीलिमा पाठक आदि उपस्थित थे। अश्विन नवरात्रि के उपलक्ष्य में सर्वधर्म संभाव मित्र परिवार, इंसानिज्म फाउंडेशन, चत्रे ग्रुप व AG ग्रुप द्वारा महाप्रसाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुखता से मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे, नगर सेवक रमेश पुणेकर, कमलेश समर्थ, नाना जोड़े, अमोल ठाकरे, अशोक धापोड़कर, मोतीराम मोहाड़ीकर, संजय धापोड़कर, महेश श्रीवास, फजलूर कुरैशी, शुभम मोटघरे, लक्ष्मण खापेकर, शंकर रणदीवे, बादल राउत, आशुतोष साव, डॉक्टर अभिषेक गार्डबेल, जय पालीवाल, आदित्य तिवारी, अक्षय खेरडे, वंश दुबे, आशीष निखारे, पंकज धारवेकर, आकाश रंभाड़ आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर बेघर निवारा टीम की व कोराड़ी मंदिर जाने वाले भक्तों को भी प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के सफलतार्थ अक्षय डोरलीकर, नकुल गमे, अंकित गुमगावकर, धीरज डहाके, निखिल कुंटे, तरुण खापेकर, आदित्य रोडे, अक्षय भोरे, अभिलाष बक्सरे, विनय उरकुड़े, अभिलाष ढोले, अभिषेक मोगरे, पंकज पटेल,
अब्दुल अश्मीर, प्रणय डोरलीकर, अभय कुंटे, पवन भूरेवाले, अभिषेक तास्कर आदि का सहयोग प्राप्त हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद को हिमाचल प्रदेश में आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था और विशेष रूप से उन्हें मंडी संसदीय उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव 30 अक्टूबर 2021 को घोषित किए गए हैं। AICC महासचिव एवं हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने इस आशय का आदेश जारी किया। राज्य में आगामी मंडी संसदीय उपचुनाव के लिए अनीस अहमद चुनावी रणनीतियों और समन्वय की देखरेख करेंगे। राजीव शुक्ला ने आदेश में कहा, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मंडी संसदीय सीट उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंडी भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले में आती है। यह सीट जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी के लिए इसे फिर से हासिल करना प्रतिष्ठा का विषय है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अनीस अहमद के AICC सचिव के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी ने राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा के जबड़े से दोनों राज्यों को जीतने में कामयाबी हासिल की थी और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर डॉक्टर अनीस अहमद पर वही विश्वास जताया है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे ने युवा नेता तनुज श्याम पांडे को नगर का महासचिव नियुक्त किया है। तनुज पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले व विकास ठाकरे का आभार माना है। उनकी नियुक्ति पर राजेश खंडारे, राज आरखेल, सुनील मेश्राम, रितेश मुंदाफले, निखिल सावरकर, मयूर मंगेश गढ़वे, स्वप्निल नारांजे, निशांत टिप्टे, नितिन मिश्रा, अशोक महाले, सौरभ जायसवाल, शशांक पांडे, अमित मोइरुले, आकाश सक्सेना, अरुण शेंडे, चंद्रशेखर दुबे, अंकित जायसवाल आदि ने हर्ष व्यक्त किया। श्री युवा शक्ति दुर्गा उत्सव मंडल इतवारी सिटी पोस्ट ऑफिस नागपुर में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिव अतुल कोटेचा ने भेंट देकर माताजी की आरती की। मंडल के अध्यक्ष प्रकाश लखेटे व अन्य पदाधिकारियों ने अतुल कोटेचा का धर्म दुपट्टा पहनाकर व माता की फोटो प्रदान कर स्वागत व सत्कार किया। प्रदेश महासचिव अतुल कोटेचा ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना के सभी नियमों का पालन कर मंडल ने अपना दायित्व निभाया। मध्य भारत में इस मंडल के आकर्षक डेकोरेशन की आम जनता ने खूब सराहना की। इस अवसर पर प्रमुखता से ओम बाबू गुप्ता, मनोज तिवारी, जितेंद्र धामा, गजेंद्र पांडे, राजू वारजुरकर, रुपेश जैन, सुनील जैन, लोकेश टक्का मोरे, अजय टक्का मोरे, राकेश खमले, सोनू जैन, संजय पारेख, रुपेश टक्का मोरे, राजू पालीवाल, अमित जैन, कपिल गांधी, संजय खमेले सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। नागपुर महानगर पालिका दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत एवं मनपा के समाज कल्याण विभाग के पहल से टेकड़ी गणेश मंदिर रेलवे पुल स्थित मनपा के शेल्टर होम में विश्व बेघर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, उपायुक्त राजेश भगत, समाज कल्याण अधिकारी दिनकर उमरेडकर के मार्गदर्शन में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पार्षद किशोर जीचकर, बेबी रामटेके, समाज कल्याण विभाग के विनय त्रिकोलवार, परी फाउंडेशन के अध्यक्ष सौरभ मोहल्ले, सहारा बहुउद्देश्य संस्था के सचिव देवेंद्र गाड़े उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करते हुए की गई। इसके बाद शेल्टर होम में रहे लाभार्थियों ने केक काटकर खुशियां मनाई। मंगलवारी जोन के स्वास्थ्य विभाग, सहारा बहुउद्देश्य संस्था और पूरी फाउंडेशन की पहल से लाभार्थियों का टीकाकरण भी कराया गया। लाभार्थियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और बेघर लाभार्थी होने का पहचान पत्र भी वितरित किया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव देवेंद्र गाड़े ने अतिथियों का आभार माना। कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्षा मोनिका फुलमाली, प्रबंधक वसंत रंगारी, रविंद्र तेलगोटे, प्रेम घरडे, प्रशांत बंसोड़ के साथ साथ बेघर लाभार्थी उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका नागपुर शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के प्रयास कर रहा है, ताकि कोई भी धन या सुविधाओं के अभाव के चलते इलाज से वंचित न रहे।
नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के मद्देनजर नागपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने नागरिकों से अपील की है कि नागरिक इन शिविरों का लाभ उठाए और अपना स्वास्थ्य जाँच कराए। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और श्री हनुमान मंदिर समिति कृष्णा नगर द्वारा श्री हनुमान मंदिर परिसर कृष्णा नगर गिट्टी खदान में किया गया था। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी भाषण दे रहे थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ नगर सेवक सुनील जायसवाल, नगर सेवक प्रगति पाटिल, नगर सेविका शिल्पा धोटे, निगम के अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आगे बोलते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता का अमृत जयंती है। इस अवसर पर नागपुर महानगर पालिका की ओर से विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 75 हेल्थ पोस्ट की स्थापना उन्हीं पहलों में से एक है। हर नागरिक को अपने घर के पास ही प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए, महापौर ने कहा। महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल लोनारा नागपुर में राहुल पांडे मुख्य सूचना आयुक्त महाराष्ट्र शासन का सत्कार पूर्व मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद के हाथों किया गया। कार्यक्रम में कृपाल तुमाने, सदस्य लोकसभा अशफाक अली, डॉक्टर चांडक, रिंकू जैन, आयशा अंसारी, मुमताज भाई, शकील भाई उपस्थित थे। डॉक्टर अनीस अहमद ने अपने प्रास्ताविक भाषण में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी समाचार पत्र द हितवाद के संपादक राहुल पांडे की मुख्य सूचना आयुक्त महाराष्ट्र शासन इस पद पर नियुक्ति होने पर बधाई दी। विदर्भ के पहले पत्रकार है जिनकी इस पद पर नियुक्ति की गई। पत्रकार के तौर पर आरटीआई कानून के अभ्यास पर उनका प्रभुत्व है। उनके राजकीय अभ्यास और आकलन के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल पर चर्चा सत्र के लिए उन्हें बुलाया जाता है। अनमास्किंग इंडिया नामक किताब का इन्होंने संपादन किया है। राहुल पांडे ने अपने भाषण में इस संस्था में किए गए सत्कार के लिए डॉक्टर अनीस अहमद का शुक्रिया अदा किया। पत्रकारिता क्षेत्र के विभिन्न अनुभवों को साझा करते हुए सार्वजनिक कल्याण हेतु अनेक प्रश्नों पर काम करने की इस पद पर रहकर पूरी करना चाहता हूँ तथा देश विकास में अपना योगदान देना चाहता हूँ। माताजी नवरात्र में नवयुवक दुर्गा उत्सव मंडल कामगार नगर नागपुर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में डॉक्टर बालकृष्ण महाजन रक्तदाता का 109वीं बार रक्तदान करने पर पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमन ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, अध्यक्ष नवयुवक दुर्गा उत्सव मंडल राजेश तिवारी, संजय तिवारी, अध्यक्ष हिंदी भाषी राष्ट्रवादी कांग्रेस सदर पुलिस स्टेशन के प्रभारी विनोद चौधरी और कृष्णा यादव उपस्थित थे। डीआरएम रुचा खरे की कुशल मार्गदर्शन में मोबाइल ऐप आधारित ई व्हीलचेयर सेवा नागपुर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई। यह सुविधा मध्य रेल पर हवाई अड्डा की तर्ज पर मूल्य वर्धित यात्री हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बाद देश में तीसरी है। यात्री डी बोर्डिंग और बोर्डिंग से पहले सेवा को अग्रिम रूप से बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इससे जरूरतमंद और वृद्ध यात्रियों को लाभ होगा क्योंकि नागपुर मध्य भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है। इच्छुक यात्री प्रति ट्रिप 250 रुपए का भुगतान करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मैसर्स अरुण एविएशन सर्विस दिल्ली द्वारा यह मूल्य वर्धित यात्री सुविधा अनुबंध भी रेलवे के लिए प्रतिवर्ष करीब 2 लाख NFR जोड़ रहा है। टीम का नेतृत्व सीनियर DCM कृष्णनाथ पाटिल, ACM VC थूल और CCI NFR TP आचार्य ने यात्रा करने वाले यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गंभीर प्रयास किए। सरकार के निर्देशानुसार शहर क्षेत्र में 8वीं से 12वीं कक्षा के लिए और जिले में 5वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस लॉकडाउन आदेश में कोचिंग क्लासेस खोलने का जिक्र नहीं है।
स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोचिंग क्लासेस शुरू करने के बारे में संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें जो निर्देश मिले हैं उनमें कोचिंग क्लासेस खोलना शामिल नहीं है, इसीलिए उनके द्वारा अगले आदेश तक कोचिंग क्लासेस खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन आदेश जारी करते समय कोचिंग क्लासेस और स्कूलों का एक साथ उल्लेख किया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अनलॉक आदेश जारी करते समय कोचिंग क्लासेस को इस आदेश से बाहर रखा गया है। ACI ने बताया कि स्कूल और कॉलेज राज्य शिक्षा विभाग के दायरे में आते हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। हम GST और अन्य करों का भुगतान करने वाली एक व्यावसायिक इकाई है। ACI ने आगे कहा कि वे पिछले 18 महीनों से ऑफलाइन मोड के कारण बंद है और हर बार उन्हें अनलॉक ऑर्डर में अपना नाम शामिल करने के लिए अधिकारियों से संघर्ष करना पड़ता है। ACI ने आगे कहा कि कोचिंग सिस्टम एक स्वाभाविक रूप से विकसित समानांतर शिक्षा प्रणाली है जो राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं जैसे JEE, NEET, लॉ, CA, UPSC और MPSC परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करती है। इन परीक्षाओं में से किसी की भी कोचिंग स्कूल और कॉलेजों में नहीं दी जाती और इसीलिए वर्तमान स्थिति में उनका अस्तित्व सर्वोपरि है। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।